नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आप सभी का आपके अपने चैनल आरवी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे खेतीबाड़ी के विषय में, गेहूं की खेती के बारे में। तो साथियों, मेरा आपसे यही आग्रह है, यही प्रार्थना है कि वीडियो में आप बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाएंगे तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वो उस चीज़ से वांछित रह जाओगे, उस चीज़ को सीखने में आप असमर्थ रह जाओगे जो आपको खेतीबाड़ी संबंधित खेती अगर आप करते हो तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है सीखना। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। बात करेंगे साथियों गेहूं की बिजाई से लेकर भाई गेहूं की कटाई की तक, मुख्य मुख्य रूप से जो मेन टिप्स है उस पर बात करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय भी कीमती है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा। लेकिन जो चीज़ बताऊंगा बहुत ही बढ़िया स्टिक बताऊंगा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। साथियों, मैं किसानों से मिलता हूँ, किसानों के पास जाते हैं, खुद की भी खेती करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे को लगभग जितनी की नॉलेज है उसके हिसाब से हमारे को पैदावार मिल रही है। लेकिन उसको अगर पैदावार हम 15-20% एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, उस पैदावार को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे को कुछ अलग से सीखना पड़ेगा, अलग से कुछ करना पड़ेगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह जाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, मुझे जहाँ तक पता है कि हम गेहूँ की बिजाई जो है वो नवंबर से दिसंबर 15 तक कर देते हैं, और उसके बाद में क्या होता है साथियों, हम बिजाई के समय उसमें DAP या NPK का प्रयोग करते हैं। लगभग किसान भाई, बहुत कम किसान भाई है जो पोटास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो किसान भाई अगर NPK का प्रयोग करते हैं तो उन्हें मान सकते हैं कि जो 12-32-16 का प्रयोग करते हैं उन्हें पोटास की ज़रूरत नहीं है। जो किसान भाई DAP का प्रयोग करते हैं, डायोमोनिया फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, उन्हें वो कहीं ना कहीं फास्फोरस को भूल जाते हैं, पोटास को भूल जाते हैं। साथियों, जो फसल दानेदार होती है, जिस फसल के जो फल हैं जिनकी हम अपेक्षा दानों के माध्यम से करना चाहते हैं, खासतौर पे जैसे गेहूँ है, धान है, सरसों है, चना है, तो जो दानेदार फसल है उसको पोटासियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दाने के अंदर चमक लेके आना, दाने का साइज ठीक से बनाना, दाने की जो क्वालिटी है उसको तैयार करना, वो पोटास का बड़ा रोल होता है। तो इसके लिए साथियों हमारे को पोटास का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और दूसरी बात बताना चाहूँगा किसान भाइयों की, जब हम बीज को उपचारित करके बीजते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है, और ये उपचारित करने वाला सिस्टम भी मुझे जहाँ तक किसानों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो पता चलता है कि 31% किसान हैं वो बीज को उपचार करते हैं, यानी सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी किसान सीधा ही गेहूं का बीज लेके आते हैं और उसकी बिजाई कर देते हैं, और घर का बीज होता है तो उसको भी हम छान के तैयार करके और बिजाई कर देते हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं हम 5% पैदावार को उसी समय हम बढ़वाने की बजाय घटाने का काम करते हैं, तो उससे हमारे को नुकसान होता है। साथियों, कोई भी बीज आप लेके आते हो उसके ऊपर लिखा होता है जर्मिनेशन पावर 65% से 75% तक होती है, यानी अगर आप 100 दाने बिजाई करते हैं, 100 बीज बीजते हैं, तो उसमें से ज़्यादा मिनिमम मैक्सिमम 75% से ऊपर दाने जो है वो नहीं उगते हैं, तो इसके लिए बीज उपचार करना चाहिए। दूसरा होता है साथियों कि हम पौधे की अगर फसल उम्र मान के चलें, भी पौधे की उम्र गेहूं की बात करें तो 4-5 महीने की खेती है, 5 महीने मान सकते हैं भाई, उसके बाद चलो उसका पकाव का टाइम आ जाता है। जैसे अभी हम दिसंबर में या नवंबर में गेहूं की बिजाई करते हैं, तो दिसंबर और 4 अप्रैल को तो हम गेहूं काट लेते हैं, तो 5 महीने की फसल है। तो उसमें साथियों क्या होता है कि हमारा जो पहला स्टेज जो मानते हैं हम, 3 स्टेजों के अंदर अगर हम उसको बांटें, जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा, 3 स्टेज होती है हर एक चीज़ की, उसी तरीके से फसल की भी 3 स्टेज होती है, जिसमें होता है रूट, शूट और फ्रूट। तो उसमें साथियों अगर हम मान के चलें कि स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो 1 महीने तक हम फसल को कोई खुराक नहीं देते हैं जो किसान भाई सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और ये बड़ा अचंभित वाली बात है कि हम फसल का 10% 30% हिस्सा ऐसा होता है जिसको हम बिना खुराक के ही गुजारना पड़ता है फसल को, क्योंकि हम सीड ट्रीटमेंट करते नहीं। पहला पानी की बात करें या पहली सिंचाई की बात करें तो साथियों हम 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में लगाते हैं, तो 21 दिन से 30 दिन के बीच में यानी 1 महीने का जो समय है, जब तक हम सिंचाई नहीं करते तब तक उसमें हम खुराक नाम की कोई चीज़ नहीं देते। और कोई किसान भाई कहते हैं फास्फोरस देते हैं, हम DAP देते हैं,
हमने एनपीके दिया है। तो साथियों वो तो जड़ें जब उसके पास पहुँचेगी तभी वो ग्रहण कर पाएगी ना, जब तक उसके पास जड़ें नहीं पहुँचेगी तो उससे पहले तो वो ग्रहण नहीं करेगा। तो सीड ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये दाना है छोटा सा अपने पास, और उस दाने की हम चारों तरफ दवाई लगा देते हैं या पोषक तत्व लगा देते हैं, तो वो क्या होता है कि हम जैसे ही बिजाई करते हैं वो अपनी तरफ नमी खींचते हैं, तो जो उसके ऊपर दवाई लगी हुई है वो बीज के अंदर चली जाती है। वो क्या है, वो पौधे की खुराक है, ठीक है। ये तो वो क्या साथियों, वो एक पौधे की खुराक है। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि पौधे की खुराक को एक महीने की खुराक उसको मिल जाती है सिर्फ सीड ट्रीटमेंट करने से। थोड़ा सा डिस्टर्बेशन हो गया था क्योंकि ट्रैक्टर निकला था बाहर से। तो क्या है कि हम बीज को जो दवाई लगाते हैं और उस दवाई लगाते हैं वो बीज हम बिजाई करते हैं तो वो अपनी तरफ नमी खींचता है, तो ऊपर जो दवाई लगी होती है वो बीज के अंदर चली जाती है। अंदर चले जाने से क्या होता है कि उसको संपूर्ण भोजन मिल जाता है, ठीक है, और एक महीने की उसको पौधे को खुराक मिल जाती है। उससे बड़े चार फायदे होते हैं। अब चार फायदे कौन कौन से, पहला फ़ायदा साथियों उसका उगाव बहुत बढ़िया होता है, उसका 24 घंटे उगाव पहले हो जाता है जिसका सीड ट्रीटमेंट किया होता है। दूसरा फायदा होता है साथियों उगाव ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पे 95% तक जो गेहूँ का उगाव है वो उगाव ज़्यादा होगा। तीसरा फ़ायदा उसकी फुटान और ग्रोथ वो बहुत बढ़िया होती है। चौथा फ़ायदा जड़ों के रूट जो है उसकी जड़ें ज़्यादा विकसित होती है, जड़ें ज़्यादा फैलाव करती है, ठीक है। तो ये चार फायदे सिर्फ सीड ट्रीटमेंट करने से होता है। इतना करने से 5% तक पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। अब बात आती है कि सीड ट्रीटमेंट का आपने खुराक क्या बता दिया, तो बीज उपचार हम किस चीज़ से करें। साथियों बीज उपचार करने का भी एक फंक्शन होता है, एक तरीका होता है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि उसमें एक रिएक्चल की पूड़ी आती है उसी से उपचारित करते हैं, और उसी को क्या करते हैं उपचारित करने का भी तरीका भी उनका एक अलग से होता है। कैसे होता है उनका तरीका कि वो उसको पानी में भिगो के उसके गेहूं को लगा देते हैं। कभी भी फंगीसाइड जो आती है, फंगस के लिए अगर आप उपचारित कर रहे हो तो सूखा पाउडर लगता है। अगर आप इंसेक्टीसाइड से उपचारित करना चाहते हैं, आपके खेत में दीमक की इल्ली की समस्या है, तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो मेन फोकस में बात कर रहा हूँ खुराक वाला, तो उसमें क्या है साथियों, उसमें आप मैक्स पावर कंसोर्टिया या क्रिस्टल या इफ़को का भी एक प्रोडक्ट आता है बीज उपचार करने के लिए, अपने कंसोर्टिया के नाम से ही उनका आता है। उसमें तीन प्रकार के बैक्टीरिया और कल्चर है। तो क्या है कि साथियों कि हमारे को लास्ट में जब बिजाई करने से 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पहले हमारे को उससे न्यूट्रिशन से उपचारित करना पड़ता है बीज को, उसमें उससे क्या होता है उसको खुराक मिलती है। तो ये काम अवश्य करें, कोई भी फसल की बिजाई करें, आप किसी भी फसल की बिजाई करें, ये गेहूँ की बात नहीं। अगर आपने गेहूँ की बिजाई कर दी है कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट जब भी कोई भी बिजाई करो, आप हरे चारे से लेके कोई भी बिजाई करते हो, तो सीड ट्रीटमेंट करना कभी न भूलें, उसका बीज उपचार अवश्य करें। अब बात आती है साथियों सिंचाई, पहली सिंचाई की बात करें हम, तो पहली सिंचाई हमारे को जितनी हो सकती है बढ़ा के लगानी चाहिए। जितना जब तक पौधा लगता है कि अपने को अच्छे से चल रहा है तब तक उसमें पानी नहीं लगाना चाहिए। तो 21 दिन माना गया है, लेकिन आप उसमें 25, 28, 30 दिन तक अगर आप निकालते हैं तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, उसकी जड़ें ज़्यादा विकसित होगी। अब पहले जब पानी लगाते हैं साथियों, तो उसमें आप कम से कम कोशिश करें कि नाइट्रोजन का प्रयोग करें, कम से कम, मतलब बिल्कुल बंद नहीं करना है लेकिन कम डालनी है आपको, क्योंकि आपने पहले नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको कम नाइट्रोजन का प्रयोग करना है। प्रति अगर हेक्टेयर की बात करें तो आप 1 बैग डालिएगा, ठीक है, प्रति हेक्टेयर 1 बैग आप यूरिया का इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ साथ साथियों जो मल्टी आता है, मल्टी मतलब पोषक तत्वों का पैकेज आता है, 5 किलो 4 किलो की थैली आती है, माइक्रोराजा का जो पैकेज आता है जो धान में किसान प्रयोग करते हैं, जिसमें आप प्रयोग करिएगा। उसमें एक क्रिस्टल नाम से 5 किलो की थैली आती है, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बीपुल के नाम से आती है, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग आती है, तो उसका आप 5 किलो 4 किलो प्रति एकड़ में आपको इस्तेमाल उसका अवश्य करना है। तो पहले पानी पीस का इस्तेमाल करना है। बाकी साथियों अगर आप कोई चीज़ विशेष रूप से पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो मैं सबसे पहले समझ चाहता हूँ कि मैं समझाने में असमर्थ रहा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उसमें कमेंट कर सकते हैं तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे तो मैं आपको कॉल भी करके आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर जब तक किसान एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो हम खेती में कामयाब कैसे होंगे। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको किस तरीके से लगी वीडियो, आप कमेंट में अवश्य बताएं।
और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसान भाइयों के साथ। वीडियो को लाइक तो आप तो करते ही हैं, सब्सक्राइब आपने कर रखा है, अगर नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका कोई पैसा नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप किस तरीके की जानकारी चाहते हैं, कौन सी फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं, कौन सी मतलब खाद बीज दवाई के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट में अवश्य करें ताकि मैं उसका आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दे सकूँ, आपको उसके साथ आपके साथ विचार विमर्श कर सकूँ। तो आप सभी का पुनः एक बार नमस्कार, दिल से धन्यवाद आपका, सत श्री अकाल, राम राम। इसी तरीके से बने रहें। मैं आपका दोस्त रमेश बाम्बू, शुक्रिया सर।